नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें अपने 64 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना 65 नंबर का मॉडल पेपर है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। पास में दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। कछवाहों की राजधानी आमेर प्राचीन काल में किस नाम से प्रसिद्ध थी? तो दोस्तों, आमेर है वो प्राचीन काल में किस नाम से प्रसिद्ध था? तो वो था अंबावती, आमेर और अम्बरीश, इन तीनों नाम से प्रसिद्ध था आमेर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर द ऑप्शन। सेकंड नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दुर्ग राजस्थान में स्थित है? तो देखो, नीमराणा का किला बिल्कुल सही है, भानगढ़ दुर्ग, अचलगढ़, दिए सारे के सारे दोस्तों राजस्थान में ही है। अचलगढ़ सिरोही में है, भानगढ़ और नीमराणा है ये अलवर में है। ठीक है, नंबर द ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, माछ ख्याल के जनक माने जाने वाले बगसूलाल खमेसरा राजस्थान के किस जिले के हैं? माछ ख्याल के जनक माने जाने वाले बगसूलाल खमेसरा राजस्थान के किस जिले के हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। ठीक है, कहाँ के हैं? भीलवाड़ा के। नेक्स्ट आगे चलते हैं, चार नंबर प्रश्न, छोटी काशी एवं बावड़ियों का शहर के रूप में प्रख्यात राजस्थान का जिला है? तो ये सबको पता होगा, बूंदी है। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भी सबको पता होना चाहिए, टोंक में है ये। कहाँ पर है? टोंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, निम्न में से किस ताम्र पत्र में महाराणा कुंभा द्वारा चंद्र पर्व, ठीक है, के समय भूमि दान का आदेश दिया था? तो जो दोस्तों भूमि दान का आदेश दिया था, तो ये कौन सा ताम्र पत्र में दिया था लिखा हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा करेड़ा का ताम्रपत्र में। ठीक है, पुरातात्विक स्थल जोधपुर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, जोधपुर है वो कोटपुतली से थोड़ा सा पहले ही पड़ता है। ठीक है, तो ये जयपुर जिले में पड़ता है ये। ठीक है, जोधपुर जयपुर जिले में पड़ता है। नेक्स्ट आठ नंबर प्रश्न है, महाराणा सांगा का काल है, तो महाराणा सांगा का क्या काल है, वो कब से कब तक शासक रहे थे, वो अपने को इसमें बताना है। तो महाराणा सांगा है 1509 से 1528 ईस्वी तक रहे थे, नंबर ए ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, महाराणा सांगा है ये के काल का जो प्रश्न है, ये अभी कोई एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था ये महाराणा सांगा का काल क्या था। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया? तो कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1923 को किया गया था स्वराज पार्टी का गठन, सही ऑप्शन इसका राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आंदोलन तुर्की साम्राज्य से संबंधित है? तो कौन सा आंदोलन है वो तुर्की साम्राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन वही है जो मतलब तुर्की में जो खलीफा थे उनको पद से हटा दिया गया था। ठीक है, उसके विरोध में भारत में काफ़ी आंदोलन हुआ था, ये खिलाफत आंदोलन। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा कांड भी हुए थे। तो 11 नंबर प्रश्न देखो, भारत के विभाजन को विश्वासघाती कार्य कहने वाले मुस्लिम नेता थे, तो वो कौन से थे? तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको अपन सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न, 1891 में पारसी समाज सुधारक V.M. मालाबारी, ठीक है, ने एक एक्ट पारित किया था, वो था एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट। ठीक है, पारित कर लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की गई? तो इसमें 12 वर्ष की आयु निर्धारित की गई थी लड़कियों की। ठीक है, विवाह के लिए न्यूनतम। 13 नंबर क्वेश्चन है, शिशिर कुमार घोष द्वारा बंबई में इंडियन लीग की स्थापना
की गई, तो कब की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अठारह सौ पिचहत्तर में। नेक्स्ट, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना है वो 1927 में की गई, नंबर बे ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो निम्न में से संगत युग्म कौन सा है, तो संगत युग्म है वो कौन सा है, तो देखो बम्बई एसोसिएशन 1852 स्थापना इसकी हुई थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन तो इसकी स्थापना हुई थी 1866 में। मद्रास महाजन सभा तो इसकी स्थापना हुई थी 1884 में। तो दोस्तों ये सारे के सारे सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी युग्म संगत हैं, नंबर द ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी कब दी गई, तो कब दी गई, तो दोस्तों 23 मार्च 1931 को दी गई, नंबर द ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू एवं प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो दिया जाता है दोस्तों पुर्तगालियों को, किसको दिया जाता है, पुर्तगालियों को तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर प्रश्न, इसमें देखो निम्न में से पदार्थों के रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो वो उदाहरण कौन सा है, तो वो देखो लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, ठीक है, और कोयले या ईंधन का जलना, तो ये सारे के सारे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर द ऑप्शन उक्त सभी। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग स्टील सेल व कंप्यूटर चिप बनाने में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, नंबर ए ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का निर्माण किस देश में हुआ, तो किस देश में हुआ, तो जर्मनी में हुआ, नंबर बे ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो टैंक के आविष्कारक हैं, तो टैंक के आविष्कारक हैं वो कौन है, तो वो है सर अर्नेस्ट स्विस्टन, नंबर से ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य में तंत्रिका तंत्र कितने भागों में विभक्त होता है, तो कितने भागों में विभक्त होता है, तो 3 भागों में, नंबर ए ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन है, मानव के उत्सर्जन तंत्र में सम्मिलित हैं, तो वो हैं दोस्तों वक्र, ठीक है, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय, ये सभी हैं दोस्तों उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2, 3, 4 किससे संबंध रखता है, तो 2, 3, 4 है वो किससे संबंध रखता है, तो वो रखता है दोस्तों नए राज्यों की प्रविष्टि, सीमा परिवर्तन और निर्माण, ठीक है, इनसे, नंबर द ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस संशोधन के तहत गोवा दमन व दीव भारत के अंग बने, तो वो बने दोस्तों 12वें, ठीक है, नंबर सह ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, एक निजी व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी रिट जारी हो सकती है, तो कौन सी रिट जारी हो सकती है, तो दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, नंबर ए ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 27 नंबर प्रश्न, तो इसमें देखो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ, तो कब हुआ था, तो दोस्तों 11 फरवरी 1964 को हुआ था, नंबर सह ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, 1864 में राजस्थान की पहली नगरपालिका कहां स्थापित की गई, तो कहां स्थापित की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है माउंट आबू में, नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 29 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो दोस्तों राज्य विधानसभा के प्रति, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। 30 नंबर प्रश्न है, राजस्थान और जोधपुर का उत्तरी भाग क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है दोस्तों जंगल देश के नाम से, जंगल प्रदेश के नाम से जानते हैं जोधपुर और बीकानेर का उत्तरी भाग, ठीक है। नेक्स्ट, और इस जंगल प्रदेश की राजधानी थी छतरपुर, ठीक है। राजस्थान में न्यूनतम लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग वाला जिला है, तो वो कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे कम लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग
हैं उस ज़िले के अंदर, तो वो है दोस्तों करौली और सवाई माधोपुर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द ऑप्शन ए और बे। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी है तो वो कौन सी है, तो वो है बनास, नंबर बे ऑप्शन इसका सही उत्तर। 33 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सीमावर्ती जिले हैं तो वो कौन कौन से हैं, तो वो दोस्तों सबको पता होगा श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये हैं दोस्तों। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। 34 नंबर है, तो इसमें देखो पश्चिमी मरु प्रदेश में तालुका स्तूपों के बीच की निम्न भूमि में जल भर जाने से निर्मित अस्थायी झील व दलदली भूमि को कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, तो उसको कहते हैं दोस्तों रन, नंबर बे ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो विश्व पर्यटन दिवसों 2018 के अवसर पर किस राज्य को वेस्ट फिल्म प्रमोशन स्टेट श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान को। ठीक है, नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट, सितंबर 2018 में तुर्की में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में महिला फाइनल में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय तीरंदाज है, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है दोस्तों दीपिका कुमारी, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। 37 नंबर प्रश्न है, राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश जिन्हें सितंबर 2018 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग का अध्यक्ष चुना गया, राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश जिन्हें सितंबर 2018 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग का अध्यक्ष चुना गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नरेंद्र कुमार, बे ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट, फीफा के फीफा प्लेयर ऑफ ईयर 2018 से सम्मानित लुका मॉड्रिट किस देश के हैं, तो दोस्तों ये तो सबको पता होगा। ठीक है, जो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 का जो सम्मान मिला है लुका मॉड्रिट को, ठीक है, तो ये किस देश के हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है क्रोएशिया के, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। 39 नंबर प्रश्न है, सितंबर 2018 में राज्य की पहली पुष्प मंडी का लोकार्पण कहाँ किया गया, तो कहाँ पर किया गया, तो जयपुर में, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, सितंबर 2018 में राज्य की कृषि एवं विपणन विभाग द्वारा राज्य के कितने जिलों में 7 नई मंडियों का गठन किया गया है, तो वो है 5, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वो 5 कौन कौन सी है, बाड़मेर, भीलवाड़ा, झालावाड़, भरतपुर और प्रतापगढ़ के अंदर ये है, ये आपको दिख रही होगी। ठीक है, धोरीमना तथा चोटन, गुलाबपुरा, डग, कुम्हेर और पीपलू तथा अरनोद, ये है। ठीक है, ये 5 है। नेक्स्ट है, 41 नंबर प्रश्न है, भामाशाह योजना के तहत राशन कार्ड से राशन लेने वाले परिवारों को स्मार्टफोन व इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा रही है, तो वो की जा रही है दोस्तों कितनी, 1000 रुपए की, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें 500 रुपए 2 किस्त में मिलेंगे। नेक्स्ट है, 42 नंबर प्रश्न है, सितंबर 2018 में दिवंगत हुए त्रान दाई क्वांग किस देश के राष्ट्रपति थे, तो ये थे दोस्तों वियतनाम के, नंबर बे ऑप्शन इसका राइट आंसर। 43 नंबर प्रश्न है, सितंबर 2018 में रेटिंग एजेंसी फिच द्वारा भारत की 2018-19 के लिए आर्थिक विकास की दर का अनुमान 7.4% से बढ़कर कितना कर दिया गया है, सितंबर 2018 में रेटिंग एजेंसी फिच द्वारा भारत की 2018-19 के लिए आर्थिक विकास की दर का अनुमान 7.4% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 7.8%, नंबर बे ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, इसरो द्वारा अपनी आगामी योजना के तहत देश में 6 क्षेत्रीय अंतरिक्ष अकादमी केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें
राजस्थान का कौन सा जिला शामिल है? तो इसमें टोटल है ना, इसके अंदर छः क्षेत्रीय अंतरिक्ष अकादमी केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें से राजस्थान का कौन सा जिला है इसमें शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जयपुर, बे ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में उद्योग रत्न पुरस्कार 2018 के तहत श्रेष्ठ शिल्पकार का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है दोस्तों किसको, तिलक गीताई को, ठीक है, नंबर सह ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, सूचना तकनीकी कानून कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया है दोस्तों 18 अक्टूबर 2000 को, नंबर द ऑप्शन इसका सही उत्तर। 47 नंबर प्रश्न है, NEGP के क्रियान्वयन में किसके बदलाव की आवश्यकता होती है? तो किसके बदलाव की आवश्यकता होती है? तो वो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, प्रबंधन, उपरोक्त सभी, नंबर द ऑप्शन इसका राइट आंसर। नंबर 48 नंबर प्रश्न है, IT&C विभाग राजस्थान सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं के अंतर्गत आते हैं, तो कितने आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नागरिक सेवा केंद्र, ई डिस्ट्रिक्ट, ई प्रोक्योरमेंट, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, राजस्थान के जयपुर में शहरी नागरिक केंद्रित सेवा लोकमित्र कब लागू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 30 मार्च 2002 को, नंबर सह ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर। 50 नंबर प्रश्न है, राज ई ज्ञान का आरंभ कब किया गया? तो कब किया गया? तो दोस्तों 12 फरवरी 2016 को, नंबर द ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार का अधिकारी वेब पोर्टल है, तो वेब पोर्टल है वो दोस्तों राजदर्पण, ठीक है, नंबर सह ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा मिलिट्री स्कूल स्वतंत्र भारत में स्थापित हुआ? तो वो हुआ दोस्तों धौलपुर, ठीक है, नंबर सह ऑप्शन इसका राइट आंसर। 53 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो, भारत का पहला सैनिक स्कूल कब और कहां स्थापित हुआ? कब और कहां स्थापित हुआ? तो ये दोस्तों 23 जून 1961 सतारा महाराष्ट्र में, ठीक है, नंबर ए ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो, राजस्थान का पहला सैनिक स्कूल कब और कहां स्थापित हुआ किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो ये था भारत का पहला सैनिक स्कूल, ठीक है, और ये था राजस्थान का पहला स्कूल, ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 7 अगस्त 1961 चित्तौड़गढ़ में, नंबर सह ऑप्शन है ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भारत का पहला सैनिक स्कूल है ये दोस्तों 23 जून 1961 को, ठीक है, और ये हुआ था 7 अगस्त 1961 को। अब वो हुआ था कहाँ पर? वो सतारा महाराष्ट्र में हुआ था और ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में, नंबर सह ऑप्शन इसका राइट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में पब्लिक विद्यालयों की स्थापना का श्रेय किस देश को है? तो किस देश को जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ब्रिटेन को, नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर। 56 नंबर प्रश्न है, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, उसकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है, बताएं कि वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है? तो देखो इसमें, एक स्त्री का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, यानी कि पुरुष ने कहा, ये मैं स्त्री लिख देता हूँ, ठीक है, एस लिख दिया मैंने, या फिर फीमेल लिख देता हूँ इसको, ठीक है, फीमेल लिख देता हूँ इसको। अब इसमें देखो कि उसकी माँ, ये पुरुष कह रहा है कि उसकी माँ के पति, उसकी माँ के पति हैं, यानी कि इसके पापा हो गए, ठीक है, यहाँ पे इसके पापा कर दिया मैंने, ठीक है, मेल जो फीमेल है उसके माता पिता हो गए, ठीक है, माँ के पति यानी कि उसके पति। अब देखो, उसकी माँ के पति की बहन यानी कि इसकी क्या लगी, बुआ, मेरी चाची है,
मेरी चाची है। तो दोस्तों, वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फुफेरा भाई लगता है उस औरत का। ठीक है, कौन? वह पुरुष, नंबर द ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो, संजय का जन्मदिन 22 अक्टूबर 1994 को शनिवार के दिन मनाया गया, वर्ष 1996 में उसका जन्मदिन किस सप्ताह के दिन में पड़ेगा, यानी कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा उस दिन 1996 के अंदर, ये अपने को इसमें बताना है। तो इसमें देखो, 22 अक्टूबर 1994 को है शनिवार, ठीक है, अपने को बताना है 22 अक्टूबर 1996 को क्या है। तो इसमें देखो, टोटल तो इसके अंदर दो वर्ष में 104 सप्ताह होते हैं, 104 सप्ताह और दो दिन, ठीक है, 104 सप्ताह और दो दिन, तो इसमें विषम दिन है शेष, तो इसमें शनिवार के इसमें विषम दिन आ रहे हैं दोस्तों दो, ठीक है, तो दो वर्ष हो गए, तो इसमें शनिवार के दो दिन बाद आएगा, ठीक है, तो शनिवार के दो दिन बाद है तो क्या हो गया, तो संडे और मंडे, तो दोस्तों सोमवार हो जाएगा इसका, ठीक है, नंबर बे ऑप्शन इसका राइट आंसर। 58 नंबर प्रश्न है, एक पासे की निम्नलिखित स्थितियां दी गई है, तो देखो सतह तीन के सम्मुख कौन सी संख्या है, तो सतह तीन के सम्मुख अपने को कौन सी संख्या है वो अपने को बतानी है। तो देखो इसके अंदर तीन है, देखो दोस्तों इसके अंदर कॉमन देखो, ठीक है, कॉमन तीन तीन और किसमें है, इसमें भी चार है, इसमें भी चार है, ठीक है, तो इसके अंदर स्थिति फर्स्ट और सेकंड के अंदर देखते हैं, दो और छः, दो और छः, तो दोस्तों ये देखो दो और छः, दो और छः, ठीक है, इसमें दो अलग अलग सतहों पर है, ठीक है, तो इसके विपरीत जो तीन के विपरीत होगा वो दोस्तों चार होगा। देखो यहाँ पे दो भी दिख रहा है, इधर भी दो दिख रहा है, इधर छः है तो इधर भी छः है, तो चार के विपरीत तीन और तीन के विपरीत चार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन की सम्मुख कौन सी होगी, तो चार होगा, नंबर बे ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो एक सारणी दी गई है, इस सारणी वाले प्रश्न को देखो, कंपनी दी गई है 4/5/2004, 5/6/7/8/9, ठीक है, इसमें कंपनी के अंदर LMNOQP ऐसे है, ठीक है, तो इसमें प्रश्न में देखते हैं, प्रश्न में अपन चलते हैं पहले कि क्या है, वर्ष 2006 में बेचे गए यूनिटों की लगभग औसत संख्या कितनी है, तो 2006 में बेचे हुए, ठीक है, तो अपने को क्या करेंगे, जो 2006 में जितने भी हैं, ठीक है, ये है 2006 में, तो इनको अपन सारों को टोटल कर लेंगे, इन सारों को टोटल कर लेंगे और इनका टोटल करेंगे और फिर कितने हैं, ये 6 है, तो दोस्तों 6 का भाग दे देंगे, 6 का इसमें भाग दे देंगे, तो दोस्तों ये इनका टोटल करेंगे तो अपने पास आएंगे 244.40 करोड़, ठीक है, और इसमें अपन कितने का भाग देंगे, 6 का, क्योंकि 6 ही कंपनी है अपने पास, तो 6 का भाग देंगे तो दोस्तों इसमें बनेगा 40.73 करोड़ रुपये, ठीक है, 40.73 करोड़ रुपये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखो ये, ठीक है, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 60 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो, कंपनी ओ द्वारा वर्ष 2004 में तथा वर्ष 2007 में बेचे गए यूनिटों की संख्या में कितना अंतर है, तो देखो ओ द्वारा करना है अब की बार, तो इसमें वो और तो कुछ नहीं करना दोस्तों, ठीक है, ये वर्ष 2004 और 5 का पूछ रहा है, वर्ष 2004 का और सॉरी वर्ष 2007 का और 4 का पूछ रहा है, इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो इसमें देखो ओ का पूछ रहा है 2004 के अंदर कितना है, तो वो है दोस्तों 112.4, और क्या पूछ रहा था 2007 में, तो 2007 में कितना है, तो 35.1, तो इसमें 112.4 में से 35.1 घटा देंगे तो अपने पास कितने बच जाएंगे, तो वो बचेंगे 77.3 करोड़, ठीक है, 77.3 करोड़, यानी कि अब इसको एक से गुणा करेंगे तो 77 हो जाएंगे दोस्तों, देखो 77 30, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है,
देखो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये 77 30 और फिर उसके बाद में दोस्तों 60, ठीक है, 60 ये आएगा इसका राइट आंसर। नंबर ए ऑप्शन है ये इसका सही उत्तर। 61 नंबर प्रश्न है, द्वैत्विक सामग्री का दोष है तो वो है दोस्तों केवल सामान्य वितरण, पुनर्वीक्षण कठिन, झूठे रिकॉर्ड, उपयुक्त सभी है। नंबर द ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बहुलक का गुण है तो बहुलक का जो गुण है वो दोस्तों सरल एवं लोकप्रिय, सर्वाधिक प्रतिनिधित्व, बिंदु रेखीय निर्धारण, उपयुक्त सभी है। नंबर द ऑप्शन इसका राइट आंसर। 63 नंबर प्रश्न है, यदि दो घनात्मक पूर्णांक पी और क्यू और पी बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और क्यों बराबर ए बी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां ए और बी सह अभाज्य हों तो एलसीएम होगा, तो एलसीएम क्या होगा वो अपने को इसमें बताना है। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है वो है इसका निकालने का, ठीक है, तो इसमें इसमें दोस्तों अपने को कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो दे रखा है ना वही होगा, तो यहाँ पे जो बड़ी घाते होंगी वही होगी इसका एलसीएम। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये सबसे बड़ी घाते हैं, तो यहाँ पे देखो ए बी दे रखा है, तो जिसमें बड़ी घात होगी ना वही इसका एलसीएम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। नंबर ब ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग और गुणनफल क्रमशः -4 और -3 हो। तो दोस्तों इसका जो सूत्र होता है वो होता है एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, फिर कोष्टक बंद, फिर है एक्स प्लस बी अल्फा बी, ठीक है, अल्फा बीटा, ये होगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, फिर एन, ठीक है, फिर प्लस अल्फा बीटा, तो इसका ये रख देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3, ये सीधा सा निकल के आ जाएगा दोस्तों इधर, ठीक है। नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, या माइनस में दे रखा है तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, 65 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो यदि समीकरणों 5x+2y=16 और 3x+6/5y=2 हो तो इसका हल होगा, तो इसका हल क्या होगा वो अपने को इसमें बताना है। तो इसमें देखो इसको काट लेंगे अपन ऐसे सीधा ही, तो 5/3, ठीक है, तो इसमें 2×5 ये हो जाएगा 2/2, ठीक है, 6/5 तो ये 5 ऊपर चले जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा 5, ठीक है, ये 10 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 6, तो इसको काट लेंगे तो 10 को ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, 16 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। आगे देखो ये 16 और 2 और करना है आगे, तो इसको दोस्तों इसके कई हल होंगे तो इसके इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है असंगत, ठीक है, असंगत हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, यदि एक खोखले लंबवर्तीय बेलन की भ्रा और अंतः त्रिज्या क्रमशः बड़ा आर व छोटा आर है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों इसमें आर को अलग अलग तरीके से दर्शाना है, एक में बड़ा दर्शाना है और एक में छोटा, तो इसका सीधा सा सिंपल सा राइट आंसर हो जाएगा वो है 2πr+r, ठीक है, ये वाला सूत्र हो जाएगा इसका। नंबर ब ऑप्शन इसका राइट आंसर। 67 नंबर प्रश्न है, तीनों गणों को और क्रमशः 3 सेमी 4 सेमी और 5 सेमी है तो इससे बनने वाले एक घन की भुजा होगी, तो इनके बनने वाले घन की भुजा क्या होगी, तो इसमें देखो 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब, तो ये देखो 3 का क्यूब हो जाएगा कितना 27 और 4 का होता है 64 और 125 होता है 5 का, तो इनका जोड़ लेंगे तो कितना जाएगा 216 और 216 है वो किसका क्यूब होता है, तो वो होता है दोस्तों किसका 6 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 6 ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक शंकु का आयतन 132 मीटर क्यूब है, यदि शंकु की ऊंचाई 14 मीटर हो तो शंकु की त्रिज्या होगी, तो शंकु की त्रिज्या क्या होगी, तो इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों अपने को, इसमें सूत्र लगाना है, देखो इसमें सूत्र लगाना है, तो सूत्र क्या लगाना है, तो देखो 1/3 πr
स्क्वायर एच, ये दे रखा है अपने को कितना बराबर है 132, ये दे रखा है ठीक है। तो यहाँ पे आर निकालेंगे अपन, तो आर निकालेंगे तो दोस्तों देखो अब इसको रूट में ले लेते हैं ठीक है, डायरेक्ट ही रूट में ले लेते हैं। तो 132 इंटू 132 दे रखा है अपने को इंटू 3 इंटू 7 ठीक है, 3 इंटू यानी 7 तो इसकी क्या हो गई, क्या हो गई शंकु की ऊंचाई है ये 22/7 है दोस्तों यहाँ पे ठीक है, 132/22/7 हो जाएगा तो 7 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे इंटू 14 इंटू नीचे 14 करने हैं 7 ऊपर चला जाएगा। तो इसमें देखो अब काटा पिटी कर लेंगे अपन, तो इसका आर बराबर आ जाएगा अपने पास कितना रूट में आएगा 9 और आर बराबर आ जाएगा 3 ठीक है, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है हे का विलोम शब्द होगा, तो हे का जो विलोम शब्द होगा वो दोस्तों कौन सा होगा, तो वो होगा ग्रहा, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। 70 नंबर है निम्नलिखित में से जो वर्तनी या उच्चारण की दृष्टि से शुद्ध हो उनके विकल्प को कोष्टक में लिखिए, तो उनके विकल्प को कोष्टक में लिखना है तो वो है सम्मुख, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा आत्मा का अर्थ नहीं है, तो वो है दोस्तों परिवर्ती, नंबर द ऑप्शन इसका राइट आंसर। 72 नंबर प्रश्न है द क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाई देम पेसिव, तो इसका पेसिव करना है तो पेसिव इसका आसानी से कर लेंगे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है ही सेड डोंट शाउट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ही ऑर्डर्ड नॉट टू शाउट, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। 74 नंबर प्रश्न है तो इसमें देखो राइट द एंटोनियम ऑफ क्रोजर ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फाइन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया, तो इसका गठन है ये अगस्त 1952 में किया गया, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये हो गया आज का अपना 65 नंबर का मॉडल पेपर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, पास में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।